हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। तारगे मित्र आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं राजकुमार विज्ञान विषय के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है? दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे ठंडी के मौसम में। फ्रेंड्स, हम यूपीपीसीएस 2020 को टारगेट में रखते हुए लगातार क्लास दोस्तों यहाँ उपलब्ध कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आज देखिए, ब्लड का मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था और आज फ्रेंड्स ब्लड का एक चैप्टर आपको फिर पढ़ाया जाएगा। तो इसके पहले मैंने रक्त का केवल परिचय पढ़ाया था आप सभी को। हमने उस परिचय में पढ़ा था कि रक्त क्या है, रक्त का कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब को पढ़ने के बाद आपने देखा कि रक्त को अलग किया गया था प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं के बीच। तो प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं का कंपोजिशन हमने पढ़ा। लेकिन दोस्तों, आज देखिए, मैं ब्लड सेल यानी ब्लड कार्पसल्स यानी रुधिर कणिकाओं की बात करूंगा। तो आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया गया था कि रुधिर कणिकाएं कुल कितने प्रकार की होती हैं और इन सभी रुधिर कणिकाओं पर हमें आज विस्तृत व्याख्या करनी है। रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड कार्पसल्स, या इन्हें कहते हैं रक्त कोशिकाएं, या इन्हें कहते हैं ब्लड सेल। तो फ्रेंड्स, आज ब्लड सेल या ब्लड कार्पसल्स पर हमें विस्तृत चर्चा करनी है कि ब्लड सेल क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसमें ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से यूपीपीएससी अपनी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछते आता है। तो दोस्तों, ब्लड सेल यानी कि ब्लड कार्पसल्स, कार्पसल्स कुल तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें आपको बताया गया था दोस्तों, एक होती है आरबीसी, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। वो फ्रेंड्स, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। एंड फ्रेंड्स, तीसरी होती है प्लेटलेट्स। फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं रुधिरारू। तो ध्यान दीजिए, ये रुधिर कणिकाएं, रक्त कणिकाएं कुल मिलाकर के तीन प्रकार की होती हैं। पहली लाल रक्त कणिका, दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा होता है रुधिराणु या रुधिराणु को, इसको हिंदी में बिंबाणु भी कहते हैं। इसे हिंदी में बिंबाणु की संज्ञा भी देते हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग, इसे हिंदी में बिंबाणु या रुधिराणु भी कहते हैं। देखिए, तो दोस्तों, आज हमको इन तीनों पर विस्तृत व्याख्या करनी है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे आरबीसी, यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रेड ब्लड कार्पसल्स। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे आरबीसी, और आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। या इसे कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। इसका एक नाम आपको और बताया गया था, इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इसे इरिथ्रोसाइट की संज्ञा भी दी जाती है। यह भी याद रखने योग्य बात है। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आरबीसी से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स, आरबीसी, देखिए,
तो फ्रेंड्स यहां हमें चर्चा करनी है कि आरबीसी से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए जो पहला प्रश्न बनता है आरबीसी से, वह प्रश्न बनता है कि इसका निर्माण कहां होता है, कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है। तो अगर बात आती है निर्माण की, तो इसका निर्माण फ्रेंड्स लाल अस्थि मज्जा में, ध्यान दीजिए आप लोग, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो, यहां पर आरबीसी का निर्माण होता है। अब निर्माण के बाद देखिए, निर्माण के बाद तुरंत प्रश्न बनता है कि आरबीसी का विनाश कहां होता है। तो यदि ऐसा प्रश्न बनता है कि आरबीसी का विनाश किस जगह पर होता है फ्रेंड्स, तो क्या बताएंगे कि आरबीसी का विनाश कहां होता है, तो ध्यान देना प्लीहा यानी स्प्लीन। प्लीहा एक ऐसा अंग है जहां आरबीसी का विनाश होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, प्लीहा जिसको हम कहते हैं स्प्लीन, इसी प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं, ठीक। तो प्लीहा को ही स्प्लीन कहते हैं और प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रस्थान कहते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रस्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लीहा में ही रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी का विनाश होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी परीक्षा में ऐसा प्रश्न बनता है कि आरबीसी का कब्रस्थान क्या है, तो फ्रेंड्स आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे प्लीहा। फिर देखिए इसके बाद जो प्रश्न बनता है आगे, तो आखिर जीवन काल कितना होता है, जीवन काल कितना होता है आरबीसी का। फ्रेंड्स अगर हम जीवन काल की बात करें तो ध्यान दीजिए, इसका जीवन काल न्यूनतम 20 दिन। जीवन काल न्यूनतम कितना होता है दोस्तों, न्यूनतम होता है 20 दिन और अधिकतम कितना होता है 120 दिन। तो अगर जीवन काल की बात आती है तो 20 से 120 दिन इसकी जो है दोस्तों, इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। और देखिए यदि इस विषय पर हम आगे बात करें कि यहां से और कौन सा प्रश्न बन सकता है, तो फ्रेंड्स यहां देखिए एक प्रश्न बनता है कि आखिर इसे मापने वाला यंत्र कौन सा, मापक यंत्र क्या होता है जिसके माध्यम से हम आरबीसी की संख्या को मापते हैं। तो फ्रेंड ध्यान देना, यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, आरबीसी को मापते हैं। तो ध्यान देना आप लोग, यहां देखिए इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है हीमोसाइटोमीटर। और हीमोसाइटोमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा हम आरबीसी की संख्या ज्ञात करते हैं। तो हीमोसाइटोमीटर, इसके थ्रू हम अमाउंट ऑफ आरबीसी को मापते हैं। तो फ्रेंड देखिए अब आगे क्या है, देखिए अब फ्रेंड्स यहां हमने पढ़ा निर्माण, विनाश, जीवन काल, मापक यंत्र। आइए देखते हैं कि संख्या कितनी होती है आरबीसी की। देखिए जो संख्या की हम बात करेंगे तो संख्या महिला और पुरुष में अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं संख्या की, तो ध्यान देना संख्या पुरुष में अलग होती है, महिलाओं में अलग होती है। अगर हम बात करें पुरुषों की, तो आप विशेष ध्यान देंगे 50 लाख से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब यानी प्रति घन मिलीमीटर होते हैं। अगर हम संख्या की बात करें तो 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर इसकी संख्या होती है। एंड फ्रेंड्स अगर बात करें महिलाओं में, तो ध्यान दीजिए इसकी संख्या महिलाओं में कम होती है। तो इसकी संख्या महिला में कितनी होगी फ्रेंड्स, महिलाओं में होती है 40 लाख से 45 लाख प्रति मिलीमीटर, यानी इसकी संख्या महिलाओं में क्या होती है, कम होती है।
और पुरुषों में क्या होती है, ज्यादा होती है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके कार्य की कि आरबीसी करता क्या है, तो फ्रेंड्स अगर इसके हम कार्य की बात करें तो ध्यान देना इसका कार्य क्या होता है, संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। आरबीसी पूरे शरीर में क्या करती है, ऑक्सीजन को पहुंचाती है, तो इसका कार्य होता है संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। दोस्तों यह इसी का कार्य होता है। और देखिए तो इसका हमने क्या पढ़ा, निर्माण विनाश जीवन काल मापक यंत्र और संख्या इसकी। और दोस्तों कार्य तो संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का प्रमुख कार्य होता है। और मित्रों आप जानते रहे एक चीज यहां पर और पूछता है, आकार, आखिर इसका आकार कैसा होता, तो ध्यान दीजिएगा इसका आकार उभयावतल होता है, बाइकॉनिकल, ये होता है उभयावतल अर्थात बाइकॉनिकल इसका आकार होता है। अब आप सोचेंगे उभयावतल कैसा होता है, बाइकॉनिकल क्या होता है, तो दोस्तों इसका आकार उभयावतल यानी बाइकॉनिकल होता है। यहां आप देख सकते हो यह जो हिस्सा है, यह हिस्सा किसका है फ्रेंड्स, यह हिस्सा है आपके आरबीसी का, देख सकते हैं आप लोग आरबीसी किस प्रकार की होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे बायकॉनिकल कहते हैं या इसे हम कहते हैं उभयावतल, इसे हम कहते हैं उभयावतल आकार। तो आरबीसी आपकी उभयावतल होती है, बिल्कुल इस आकार की होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ये बिल्कुल आरबीसी का जो आकार है वो इस प्रकार से ही होता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहां से प्रश्न और भी बनता है कि आखिर आरबीसी किन जीवों में होती है, अगर ऐसा प्रश्न बने कि आरबीसी किन जीवधारियों में होती है, तो ध्यान देना ऐसे जीवधारी जो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो दोस्तों उनमें जो है आरबीसी होता है। तो फ्रेंड्स आरबीसी से ये सारे प्रश्न बन सकते हैं, ये तो कॉमन जानकारी थी, आपको हर किताब में मिलेगी, लेकिन आगे हम देखिए आरबीसी के विषय में कुछ अलग पढ़ते हैं दोस्तों, कुछ अलग पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए जो ये जो आरबीसी, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी क्या होती है, इसकी संख्या लगातार घटती है। और दोस्तों जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी संख्या में घटती है, और आरबीसी की संख्या को बढ़ाने के लिए, अमाउंट ऑफ आरबीसी को इंक्रीज करने के लिए हमारा लीवर एक हार्मोन को सिक्रेट करता है। सो फ्रेंड्स इस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोट्रॉपिक हार्मोन। यह ऐसा हार्मोन है जिसका स्राव कहां से होता है, इसका स्राव होता है ब्रिक से, और ध्यान देना ब्रिक को ही हम गुर्दा या किडनी कहते हैं। तो ये ऐसा हार्मोन है जो आरबीसी की घटती हुई संख्या को बढ़ाता है। तो आरबीसी की संख्या बढ़ाता है, तो दोस्तों आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है कौन सा हार्मोन, इरिथ्रोट्रॉपिक हार्मोन जो ब्रिक के पास से निकलता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बढ़ते दोस्तों, अगर हम बात करें जो आरबीसी होती है कि सबसे बड़ी आरबीसी कहां होती है, सबसे छोटी आरबीसी कहां होती है, या दोस्तों हम बात करें कि हमारा जो ब्लड होता है वो किस रंग का होता है। देखिए पूछता है कि हमारा ब्लड किस रंग का होता है, तो हम जानते हैं भाई लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। आइए सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन की व्याख्या करते हैं, और फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन की व्याख्या को करने के बाद हम जानेंगे सबसे बड़ी आरबीसी सबसे छोटी आरबीसी, क्योंकि देखिए एकमात्र फैक्ट है, लेकिन हीमोग्लोबिन ऐसा टॉपिक है जहां से परीक्षा में आपके प्रश्न लगातार बना हुआ है, तो पहले हम हीमोग्लोबिन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें जानना है हीमोग्लोबिन के विषय में कि आखिर हीमोग्लोबिन क्या है, तो अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन एकमात्र प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन
सो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन देखिए तो फ्रेंड्स इसमें दो चीजें हैं, एक इसमें है शामिल हीमस और इसमें शामिल है ग्लोबिन। तो ध्यान दीजिए हीमस प्लस ग्लोबिन और हीमस वह पदार्थ है जिसमें आयरन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? आयरन की मात्रा होती है। और फ्रेंड्स ग्लोबिन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है क्योंकि यह ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक, तो ग्लोबिन वह प्रोटीन है जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और दोस्तों जो आयरन है, आयरन से क्या मिलता है ब्लड को? लाल रंग मिलता है। तो आयरन से ही रक्त को लाल रंग मिलता है। और विशेष ध्यान देंगे आप लोग, आयरन से क्या होता है? रक्त को लाल रंग मिलता है दोस्तों। और विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो क्या करती है? वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है और एंटीबॉडी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स ये था हीमोग्लोबिन का जो कंपोजिशन होता है कि हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है। दरअसल देखिए हीमोग्लोबिन पहले कैसे होती है, देखिए फ्रेंड्स जब हीमोग्लोबिन अकेले होती है तो ये होती है नीले रंग की। देखिए हीमोग्लोबिन यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले जो रक्त हमारा होता है वो कैसा होता है? वो होता है लाल रंग का। क्योंकि दोस्तों जो हीमोग्लोबिन ये होता है नीले रंग का। हीमोग्लोबिन क्या होता है? नीला होता है। लेकिन देखिए जब यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो देखिए क्या बनाती है। तो दोस्तों ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा होता है फ्रेंड्स? ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है लाल रंग का। तो ध्यान देना रक्त में लाल रंग पहले से नहीं होता, बल्कि जब ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है तो रक्त क्या होता है? तब रक्त लाल रंग का हो जाता है। तो दोस्तों पहले ब्लड कैसा होता है? नीला होता है जब उसमें केवल हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। और फ्रेंड्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने से ही क्या होता है? रक्त हमारा लाल रंग का हो जाता है। तो आप ये वाला पॉइंट आसानी से समझ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर हम इसके आगे बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, यह प्रश्न लगातार बना हुआ है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन किस गैस से सबसे तेज अभिक्रिया करता है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि सबसे अधिक किस गैस से अभिक्रिया करता है, तो फ्रेंड जानते रहिए आप लोग तीन गैसें होती हैं। पहली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और दोस्तों तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है ऑक्सीजन। तो ध्यान देना सबसे तेज अभिक्रिया कैसे करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। भाई ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड से 300 गुना तेजी से अभिक्रिया करता है हमारा हीमोग्लोबिन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान दीजिएगा तब यह क्या बनाता है? तब बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO। इसे हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
और दोस्तों देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऐसी गैस है जो प्रमुख रूप से दम घुटने में योगदान देती है। देखिए यह ऐसी गैस है दोस्तों, यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करती है और ध्यान रहे ऑक्सीजन के तुलना में 300 गुना अधिक अभिक्रियाशील होती है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जिससे क्या होता है मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्या होता है तब उसके बाद दोस्तों, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और फिर क्या होता है, व्यक्ति का दम घुटता है। क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति का दम घुटता है और दम घुटने से व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, आपका दम घोटू गैस कहते हैं। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन सबसे अधिक अभिक्रिया करती है कार्बन मोनोऑक्साइड से, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से, और उसके बाद दोस्तों आपके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। आइए देखते हैं कि आगे हीमोग्लोबिन से और कौन सा पार्ट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। देखिए तो फ्रेंड्स, इससे आगे क्वेश्चन बनता है कि जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा में यदि कमी आ जाए या हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पुरुष की दोस्तों, यदि हम बात करें किसी पुरुष की या आदमी की या मेल की, तो फ्रेंड्स मेल में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो आपकी फ्रेंड्स 15 प्लस माइनस है कम ज्यादा 2 ग्राम पर 100 ml ब्लड। फ्रेंड्स ये मेल में होती है, यानी पुरुष में जो हीमोग्लोबिन होती है वो 15 प्लस माइनस 2 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में होती है। यदि हम बात करें दोस्तों फीमेल की, तो फीमेल में देखिए हमेशा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। अगर हम बात करें फीमेल की तो फ्रेंड्स इसमें होती है 12 प्लस माइनस 2 ग्राम पर 100 ml ब्लड, पर 100 ml ब्लड। और यदि हम बात करें चाइल्ड की, शिशु की दोस्तों, बच्चे की, तो ध्यान देना इसमें होती है 16 प्लस माइनस 2 ग्राम पर 100 ml ब्लड। तो ये होता है अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं मेल की तो 15 प्लस माइनस 2 ग्राम, यदि बात करते हैं फीमेल की तो 12 प्लस माइनस 2 ग्राम, अगर बात करते हैं चाइल्ड की तो 16 प्लस माइनस 2 ग्राम। अब आप ये बताएं कि हीमोग्लोबिन की मानक जो अमाउंट का होता है, आवश्यक मात्रा होती है वो कितनी होती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसकी आवश्यक मात्रा होती है लगभग 12 ग्राम 11 ग्राम। तो आवश्यक मात्रा की यदि बात करें तो आवश्यक मात्रा जो हीमोग्लोबिन की होती है वो होती है दोस्तों 11 ग्राम पर 100 ml ब्लड। सौ ml रक्त में दोस्तों 11 ग्राम क्या होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा इससे कम होती है दोस्तों, इससे कम होने से हम क्या कहते हैं, जो रोग होता है उसे हम कहते हैं घातक एनीमिया। तो ध्यान देना, घातक एनीमिया होता है यदि रक्त की मात्रा 11 ग्राम पर 100 ml से कम होती है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, घातक एनीमिया, या इसे कहते हैं रक्ताल्पता, इसी का नाम है रक्ताल्पता, या इसी को हम कहते हैं रक्त क्षीणता, रक्त क्षीणता, या फिर इसे ही हम कहते हैं अरक्तता। तो ध्यान दीजिएगा,
ये सारी बीमारियों का नाम एक ही है, चाहे घातक एनीमिया बोले या रक्ताल्पता बोले या रक्त क्षीणता बोले या दोस्तों अक्ता बोले। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से ये रोग होते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं कि रक्त की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी से, रक्त की कमी या फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन की कमी से, ठीक है, ये सभी रोग होते हैं। लेकिन देखिए, इन सभी रोगों के होने का एक कारण और होता है दोस्तों, बल्कि हम कहें तो इसके बहुत से कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन B6 कम हो गया तब भी एनीमिया होती है दोस्तों, अगर B9 की कमी हुई तब भी एनीमिया होती है, अगर B12 कमी हुई तब भी क्या होता है, एनीमिया होती है। यदि फोलिक एसिड, यदि किसी व्यक्ति के अंदर फोलिक एसिड की कमी हो गई तब भी क्या होता है, एनीमिया होती है। ये सब क्या है, ये सभी एनीमिया के होने का कारण है दोस्तों। इसको आप देख लीजिए आसानी से दोस्तों, यहाँ पर व्याख्या जो की जा रही है बहुत आसान व्याख्या है, इसको आप देख सकते हैं। और लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बिल्कुल इसी पैटर्न पर प्रश्न बनता है कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है या दोस्तों एनीमिया रोग किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे रक्त की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। सो फ्रेंड देखिए, हमने जाना कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, आइए देखते हैं कि दोस्तों 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो यदि दोस्तों हम बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा 1.46 यानी 1.2 या दोस्तों ये उल्टा होगा, 1 पॉइंट आपका होता ही है 1.34 ml ऑक्सीजन। एंड फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि 100 ml ब्लड में, 100 ml रक्त में, 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो इस बात का विशेष दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, ये लगभग होती है 20 ml होती है। तो दोस्तों ये होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे ब्लड में। एंड फ्रेंड्स, यदि हम आगे बात करते हैं तो दोस्तों आगे कौन सा विषय है, आगे दोस्तों पॉइंट हमारा ये बनता है कि हीमोग्लोबिन से आने वाले प्रश्न को हम इस प्रकार से देखेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि आरबीसी कितने प्रकार का होता है, सबसे छोटा आरबीसी कौन सा, सबसे बड़ा आरबीसी कौन सा। तो फ्रेंड्स हमको इसी पर व्याख्या करनी है, आइए देखते हैं कि सबसे बड़ा आरबीसी कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि सबसे अधिक आरबीसी किसमें होता है, अगर हम बात करें सबसे अधिक आरबीसी की मात्रा किसमें होती है, तो ध्यान दीजिएगा ऊंट में होती है। और एक विशेष पॉइंट जिसको छोड़ा गया अभी तक, ध्यान दीजिएगा हमारे ब्लड में दोस्तों क्या होता है, आरबीसी नहीं होती है, या हमारे ब्लड में जो हमारे ब्लड में आरबीसी होता है वहां क्या होता है, वहां केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। तो फ्रेंड्स आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता, लेकिन ध्यान देना दो अपवाद है, ठीक है ना, दो अपवाद है। हमारे आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता, लेकिन इसके दो अपवाद है, वो अपवाद कौन कौन, देखिए एक होता है ऊंट, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊंट बोलते हैं, कैमल बोलते हैं, एक क्या होता है ऊंट, और देखिए एक और होता है जो ऊंट, जो ऊंट के प्रजाति का है दोस्तों, ये देखिए आप इसको देख सकते हैं, इसको हम लामा कहते हैं फ्रेंड, इसको लामा कहते हैं, यह ऊंट की क्या है, एक प्रजाति है, इसे लामा कहते हैं, ठीक है ना। लामा ऐसा प्राणी है जिसके आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है,
ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ऊंट वा लामा के आरबीसी में केंद्रक होता है, ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक होता है और अन्य किसी भी प्राणी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, लामा यही प्राणी है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, यह ऊंट की ही एक वैरायटी है, ऊंट की एक प्रजाति है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट है। तो अब हमको देखना है सबसे छोटी आरबीसी और सबसे बड़ी आरबीसी कौन कौन सी है। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक आरबीसी किस प्राणी में होती है। सर्वाधिक आरबीसी दोस्तों कहाँ होती है, ये ऊंट में होती है, ठीक। और यदि हम बात करें सबसे कम आरबीसी या न्यूनतम आरबीसी, यदि हम बात करें सबसे कम आरबीसी की, तो ध्यान देना आप लोग सबसे कम आरबीसी किसमें होती है। तो दोस्तों ये होता है आपका कुत्ता या फिर मेंढक। तो फ्रेंड्स सबसे कम आरबीसी किसमें होती है, कुत्तों में होती है या फिर मेंढक में होती है। एंड फ्रेंड्स यदि प्रश्न ऐसा बन जाए कि सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी किस प्राणी की होती है, तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा प्राणी है जो मेंढक की वैरायटी में आता है। दोस्तों मेंढक की ही प्रजाति है, तो ध्यान दें दोस्तों इसको हम कहते हैं एग्फियुका। एग्फियुका एक ऐसा प्राणी है जिसकी आरबीसी फ्रेंड्स होती है 75 मिली माइक्रोन की। तो फ्रेंड्स जानते रहिए जो इसकी आरबीसी होती है 75 क्या होती है, मिली माइक्रोन की होती है एग्फियुका की। एंड फ्रेंड्स यदि हम बात करें सबसे छोटी आरबीसी, तो सबसे छोटी आरबीसी ये होती है कस्तूरी मृग की, कस्तूरी मृग जिसे हम हंगुल कहते हैं। ध्यान रहे कस्तूरी मृग का निवास जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों ये होती है 2.3 मिली माइक्रोन। तो फ्रेंड्स ये सबसे छोटी आरबीसी होती है, और जो हमारी आरबीसी होती है दोस्तों ये होती है 7.2 मिली माइक्रोन की। जो मनुष्य की आरबीसी होती है 7.2 मिली माइक्रोन की होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि रक्त आखिर गर्म क्यों होता है, जो ब्लड हमारे अंदर संचार कर रहा है, परिवहन कर रहा है, परिसंचरण कर रहा है, तो वह गर्म क्यों होता है। दोस्तों जब हमारा ब्लड हमारे त्वचा के सबसे ऊपरी भाग में सर्कुलेट करता है तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका तापमान ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब ब्लड हमारे त्वचा के सबसे ऊपरी सरफेस पर सर्कुलेट करता है तो दोस्तों यहाँ कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका तापमान ज्यादा होता है। जब ब्लड उन सब्सटेंस के पास पहुंचता है तो ब्लड क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स आरबीसी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अब देखते हैं आगे दोस्तों क्या है। तो फ्रेंड्स आगे हमको देखना है डब्ल्यूबीसी के बारे में, आइए देखते हैं कि श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, और यहां से कैसे कैसे प्रश्न परीक्षाओं में दोस्तों लगातार पूछे गए हैं। तो हमें अब शुरू करना है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं अर्थात डब्ल्यू बी सी, और फ्रेंड इसका एक नाम और है, इस डब्ल्यू बी सी को हम एक नाम और देते हैं फ्रेंड, इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है ल्यूकोसाइट।
ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को ही कहते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी से किस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में बने हुए हैं दोस्तों, और कैसे प्रश्न आगे परीक्षाओं में यहां से पूछ सकता है। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है, एंड फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी का विनाश कहां होता है, और इसकी संख्या कितनी होती है पुरुषों में और महिलाओं में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी का निर्माण। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है, सबसे पहला पॉइंट। अगर फ्रेंड्स हम निर्माण की बात करें, देखिए तो इसका निर्माण होता है पीली अस्थि मज्जा में। पीली अस्थि मज्जा अर्थात एलो बोन मैरो में, पीली अस्थि मज्जा में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है एलो बोन मैरो में। यदि हम बात करते हैं विनाश की, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका विनाश कहां होता है, इसका विनाश होता है मानव रक्त में। अगर हम विनाश की बात करते हैं तो इसका विनाश कहां होता है, तो विनाश होता है मानव रक्त में। ठीक, तो विनाश होता है मानव रक्त में। जब यह मानव रक्त में दोस्तों खत्म हो जाती है, तो ध्यान देना फिर इसे एंटीबॉडी शरीर के बाहर कर देती, तो ये दोस्तों इसका विनाश हो गया। तो विनाश कहां होता है, मानव रक्त में। यदि हम बात करें डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, अगर बात करें संख्या की, तो संख्या महिला और पुरुष दोनों समान होती है दोस्तों। यदि हम संख्या की बात करें, तो ध्यान देना इसकी संख्या होती है 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर। 5000 दोस्तों 9000 पर मिलीमीटर क्यों होती है इसकी संख्या। अगर हम बात करें इसके जीवन काल की, इसका जीवन काल कितना होता है, तो एक बात विशेष ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, इसका जीवन काल होता है, जीवन काल लगभग 2 से 5 दिन तक होता है। इसका जीवन काल कहीं कहीं 3 से 5 दिन मिलता है, कहीं कहीं 2 से 5 दिन मिलता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जीवन काल कितना होता है, लगभग 2 से 5 दिन होता है। निर्माण पीली अस्थि मज्जा में, विनाश मानव रक्त में होता है। संख्या 5000 से 9000, एंड फ्रेंड्स इसका जीवन काल कितना होता है, ये होता है आपका 2 से लगभग 5 दिन का होता है। आइए हम देखते हैं कि आगे डब्ल्यूबीसी से कौन सा पॉइंट बन सकता है। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होता है, या डब्ल्यूबीसी की अधिकता से क्या होता है, तो पहला पॉइंट कमी से, दूसरा अधिकता से। तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ऐसा हो जाए कि किसी व्यक्ति के शरीर में डब्ल्यूबीसी कम हो जाए, तो उसे क्या होता है, तो उसे होता है ल्यूकेपीनिया। और दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के शरीर में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, ल्यूकेमिया। यानी कि दोनों परिस्थितियों में क्या हमारे लिए जानलेवा है, घातक है। देखिए ल्यूकोपीनिया ऐसी बीमारी है, जो ल्यूकोपीनिया है, ये ल्यूकोपीनिया ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और व्यक्ति बहुत शीघ्र ही बीमार पड़ जाता है। और दोस्तों ल्यूकोपीनिया ऐसी बीमारी है जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर, इसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ध्यान देना, सो आपने पढ़ा होगा समस्थानी का नाम, तो फ्रेंड्स आर्सेनिक 74 इसकी पहचान के लिए होता है, एंड फ्रेंड्स सोडियम 24 एंड फास्फोरस 32, ये ल्यूकेमिया के उपचार के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब प्रश्न पूछता तो ध्यान दीजिएगा, आयोग फास्फोरस 32 को मारता है, यानी कि ल्यूकेमिया के उपचार के लिए फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर है, ध्यान देना, और यह एक
आनुवंशिक बीमारी भी है। आनुवंशिक बीमारी का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो हमारे आने वाले वंशों से हमारे अंदर आती है। तो दोस्तों ये क्या है, यह एक आनुवंशिक बीमारी है, आनुवंशिक रोग है जो एक सिंड्रोम से फैलता है जिसका नाम है फिलाडेल्फस सिंड्रोम। फिलाडेल्फस सिंड्रोम से ही क्या होता है दोस्तों, ये आपका ल्यूकेमिया रोग फैलता है। ध्यान देना, कुछ सिंड्रोम और भी होते हैं, जैसे होता है क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जिससे पुरुषों में नपुंसकता, और दोस्तों टर्नर सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जिससे महिलाओं में क्या होता है, बाष्पन की बीमारी होती है। ऐसे ही डाउन सिंड्रोम होता है जिसको हम मंगोलिज्म कहते हैं। तो फ्रेंड, WBC अगर कम होती है तब भी यह हमारे लिए घातक है, यदि यह अधिक होती तब भी क्या दोस्तों, घातक है। आइए देखते हैं कि WBC कितने प्रकार की होती है। देखिए तो दोस्तों, WBC को बेसिकली दो भाग बांटा गया है। WBC को क्या किया गया है, WBC को दो भाग बांटा गया है। इसमें एक भाग ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट, इसमें एक भाग ऐसा है जिसे हम कहते हैं कणिकामय, और एक भाग ऐसा होता है ग्रेन्यूलोसाइट। एंड फ्रेंड्स, एक भाग ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं अकणिकामय, और इसे हम कहते हैं अग्रेन्यूलोसाइट। ठीक, तो इसके दो भाग होते हैं, एक होता है कणिकामय दोस्तों, और एक क्या होता है, एक होता है अकणिकामय, एक को हम कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट, और एक को क्या कहते हैं दोस्तों, एक को हम कहते हैं एग्रेन्यूलोसाइट। अब देखिए दोस्तों, जो आपका कणिकामय भाग होता है इसे पुनः हम कितने भाग बांटते हैं दोस्तों, इसको पुनः हम तीन भाग बांटते हैं। तो इसका पहला भाग है, इसे हम कहते हैं इयासिनोफिल्स। एंड फ्रेंड्स, जो इसका दूसरा भाग होता है इसको हम कहते हैं बेसोफिल, और इसके तीसरे भाग को हम कहते हैं न्यूट्रोफिल। तो ध्यान दीजिए, इसके कुल तीन भाग हो गए, पहला है इयासिनोफिल्स, दूसरा क्या है बेसोफिल्स, एंड फ्रेंड्स तीसरा क्या है न्यूट्रोफिल्स। देखिए, जो पहला होता है इयासिनोफिल दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है शरीर में प्रतिरक्षण, और क्या होता है दोस्तों, संवेदनशीलता उत्पन्न करना। तो ध्यान देना, इयासिनोफिल ऐसी WBC होती है जो शरीर में प्रतिरक्षण और संवेदनशीलता उत्पन्न करती है। एंड फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि बेसोफिल क्या करती है। देखिए दोस्तों, बेसोफिल ऐसी WBC है जो एलर्जी के लिए, किसके लिए दोस्तों, एलर्जी के लिए। दरअसल क्या होता है कि यह दोस्तों हिस्टामिन नामक पदार्थ का निर्माण करती है, हिस्टामिन, और हिस्टामिन के बढ़ने से क्या होता है, एलर्जी और दमा। ये कैसे होता है फ्रेंड्स, ये होता है बेसोफिल के कारण। एलर्जी और दमा क्यों होता है, एलर्जी और दमा ये होता है बेसोफिल्स के कारण। अब देखिए आगे, तो फ्रेंड्स आगे क्या है, आगे आपका है न्यूट्रोफिल्स। देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स क्या है और न्यूट्रोफिल्स का कार्य क्या होता है। देखिए, न्यूट्रोफिल्स वह WBC है जो क्या करती है, जीवाणु और अन्य पदार्थ को नष्ट करती है, जीवाणु व अन्य पदार्थ को
नष्ट करती है। ठीक, क्या करती है? जीवाणु और अन्य पदार्थ को नष्ट करती है। ये होती है न्यूट्रोफिल्स। आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे आपकी कणिका में डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, कणिका में डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, इसमें आपने पढ़ा होगा। इसमें एक होता है मोनोसाइट और एक होता है आपका लिम्फोसाइट। तो फ्रेंड्स, पहला क्या है? पहला आपका है लिम्फोसाइट। तो पहला होता है लिम्फोसाइट और फ्रेंड दूसरा क्या है? दूसरा होता है मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। दोस्तों, जो लिम्फोसाइट होती है, देखिए क्या होती है लिम्फोसाइट। दोस्तों, शरीर में क्या करती है? प्रतिरक्षा संवेग, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। तो दोस्तों, लिम्फोसाइट क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण। एंड फ्रेंड्स, जो मोनोसाइट होती है, ये क्या करती है दोस्तों? ये पूरे रक्त में भ्रमण करती रहती है। दोस्तों, रक्त में भ्रमण करती है और क्या करती है? रक्त में भ्रमण करके जीवाणुओं को मारती है। क्या करती है? जीवाणुओं को मारने का कार्य करती है। कौन करती है दोस्तों? मोनोसाइट। तो ध्यान देना, ये होता है आपका डब्ल्यूबीसी का प्रकार। आइए हम आगे पढ़ते हैं। ये दोस्तों, एक पार्ट आपका बचता है और ब्लड का प्रसंग का, जिसका नाम है फ्रेंड्स, इसका नाम है प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्लेटलेट्स को ही हम एक नाम और देते हैं और इसे हम कहते हैं डिंबाणु या रुधिराणु। तो आगे हमें पढ़ना है डिंबाणु या रुधिराणु, इसे हम कहते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स। ध्यान देना, अगर पूछता है कि इसका निर्माण कहां होता है, तो फ्रेंड्स निर्माण देखिए, जहां पर आपके डब्ल्यूबीसी और आरबीसी बनते हैं, वहीं पर क्या होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्लेटलेट्स वह भाग है जो हमारे शरीर में रक्त को जमाता है। देखिए, अगर हमें चोट लगती है, अमूमन क्या होता है कि 5 से 7 मिनट के अंदर ब्लड वहां पे क्लॉट कर जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा कम है, तो ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता और बाहर निकल जाता है दोस्तों, रक्त निकलता रहता है। देखिए, एक बीमारी होती है डेंगू, ठीक है? डेंगू दोस्तों, जिसको हम कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, बोन ब्रेक फीवर, ठीक है? या डेंगू को हम बोलते हैं एलो फीवर, पीला बुखार। तो ध्यान देना दोस्तों, जो डेंगू बुखार होता है, डेंगू बुखार में क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट की मात्रा घट जाती है। और जब प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है, तो ब्लड शरीर के अंदर क्या होता है? क्लॉट नहीं कर पाता और नाक कान से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, यह एक भयानक बीमारी है, भयंकर बीमारी है, जो एडीज एजिप्टाई यानी टाइगर मच्छर से फैलता है। टाइगर एक फीमेल मस्कीटो है, ठीक है? दोस्तों, अगर हम बात करें निर्माण की, तो इसका निर्माण कहां होता है? इसका निर्माण भी होगा अस्थि मज्जा में। और यदि हम बात करें इसके विनाश की, तो फ्रेंड्स, इसका विनाश कहां होता है? इसका भी विनाश मानव रक्त में होता है, जो कि बाद में वेस्ट मटेरियल के रूप में पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके विनाश की, तो मानव रक्त में, यदि हम बात करें इसके जीवन काल की, तो जीवन काल इसका बहुत दिन नहीं होता, परंतु 2 से लगभग 12 दिन के आसपास इसका जीवन काल होता है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें संख्या की, तो संख्या इसकी लगभग 2 से 5 लाख, 2 लाख से 5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यू होती है। एंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके कार्य की, तो प्लेटलेट्स वह भाग है जो रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। दोस्तों, वह भाग है जो ब्लड को क्लॉट कराता है, रक्त का थक्का बनाता है। तो ध्यान देना, ये डिंबाणु वाला पार्ट है, यानी दोस्तों ये प्लेटलेट्स का पार्ट है। तो देखिए, रक्त कणिकाओं के बारे में, रुधिर कणिकाओं के बारे में, ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में हमने आपसे आज विस्तृत चर्चा की है। दोस्तों, आपकी जब क्लास स्टार्ट होगी, तो ध्यान देना, इसके हर पॉइंट पर
विस्तृत व्याख्या के साथ आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। और दोस्तों ऐसा मटेरियल जो किताबों में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, यानी जो चीजें जो मैटर बुक्स में नहीं होता है, और कभी कभी जब प्रश्न बन जाता है तो हम सोचते हैं यार ये तो किसी किताब में नहीं आया था, तो ऐसे कैसे आयोग ने पूछ दिया। तो फ्रेंड्स ऐसी समस्या आपके साथ नहीं होगी। जैसे ही हमारा टिश्यू अर्थात ये रक्त खत्म होता है, तो रक्त के खत्म होने के बाद आपको एक बिल्कुल इसका प्रिंटेड मटेरियल आपको अवेलेबल रहेगा इसी वीडियो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो हमने ब्लड सेल को पढ़ा लिया है। दोस्तों ब्लड के दो वीडियो में हमने एक में रक्त का परिचय पढ़ा और एक में पढ़ा आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट क्या होती है। अब फ्रेंड्स आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आखिर ब्लड ग्रुप क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, इसके अतिरिक्त आरएच फैक्टर क्या है, किस प्रकार से ब्लड को डोनेट करते हैं और कौन कौन डोनेट कर सकता है किसको। दोस्तों रक्त के जमने से कौन सी बीमारी होती है, और सबसे बड़ी बात रक्त का निर्धारण यदि माता का ए बी और पिता का ओ हो तो होने वाले बच्चों में कौन सा रक्त संभावित है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों पर हम व्याख्या करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।